इस समय हमारे साथ इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर के डायरेक्टर जो है डॉक्टर रामकृष्ण है, उन्हीं से बात करेंगे कितना कठिन और कितना चुनौती भरा था ये पूरा रामकृष्ण जी पूरा मिशन, और टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड सेंटर किस तरीके से अब चंद्रयान की हर हलचल के ऊपर नजर रखेगा। ये चंद्रयान 3 जो लैंडर है वो 4 लाख किलोमीटर दूर था, वो वहाँ से सिग्नल आना है तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ा एंटेना यूज करना चाहता है। हमारा डीप स्पेस नेटवर्क जो बैलालू में है वो एंटेनास पक्का ट्रैक करके आज पूरा डेटा दिया। लैंडिंग का वो 17 मिनट्स जो टेरर बोलता है हम लोग, वो समय पर हमको इतना अच्छा डेटा मिला। सब पूरा हमको चंद्रयान लैंडर का विक्रम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिला। कोई ऐसा मौका था जहां पे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चेंज करना पड़ेगा? हमारा इसरो में जो हम लोग प्लानिंग करता है एक ही प्लान नहीं डालता है। हम लोग क्या करता है, क्या फेल होगा, क्या ठीक से काम करेगा, ये सब तुलन करके हम लोग वो बैकअप प्लान्स रखता है। ये लैंडिंग के लिए हमारा 3 एंटेना जो बैलालू में है, वो 3 एंटेना, एक 32 मीटर है, 2 18 मीटर है, वो तीनों एंटेना पूरा ट्रैक कर रहा था और तीनों से हमको डेटा मिल रहा था। सर अब अगला चैलेंज माना जा रहा है कि जब रोवर बाहर आएगा उस समय में कम्युनिकेशन के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? रोवर हमारा एंटेना से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। जो लैंडर अभी लैंड हुआ है वो अभी उधर डस्ट राइज हुआ है, वो डस्ट सेटल होने के लिए थोड़ा देर हम लोग दूसरा काम प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा में साउथ पोल हम लोग गया है, उधर टेम्परेचर बहुत कम होगा, इसलिए उधर सब गर्म करने के लिए वो लैंडर में जो और रोवर में जो हीटर्स होता है उसको ऑन कर रहा है। वो 2 घंटे के बाद हमारा काम शुरू होगा। वहाँ जो हम लोग वो रोवर का रैंप वो कि जिससे वो रोवर रोल डाउन होगा वो रैंप आ जाएगा, उसके बाद हम लोग रोवर से लैंडर को खींचेंगे फोटो और लैंडर से रोवर का फोटो खींचेंगे, उसके बाद रोवर रोल डाउन होगा, इसके लिए 4 घंटा लगेगा, उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। तो डॉक्टर रामकृष्णा जो कि वैज्ञानिक है इसरो में, हम उनको आपको सुनवा रहे थे कि आगे अब अगले 14 दिन क्या कुछ होगा और ये जीन।